मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। वक्त का बहुत बड़ा मसला है, तरतीब के एतबार से बहुत कम वक्त हमारे पास है, लेकिन उन्वान बहुत गहरा और अहम है। मुझे आज के जलसे के जिम्मेदारों ने जिस उन्वान को दिया, मैं बहुत खुश हुआ। इस उन्वान पर बात करना इस वक्त की ज़रूरत भी है और उस पर कायम और दायम और साबित कदम रहना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ और बहनों से गुजारिश है, खामोशी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ पूरे अदब के साथ सुने। और मैं आम तौर पर हर जगह तकरीबन ये कहता हूँ, मर्दों में बात करने से ज़्यादा मुझे परेशानी औरतों में बात करने में होती है। इसलिए कि पर्दा होता है और पर्दे का फायदा जितना औरतें उठा लेती हैं, चलो भी बोलने वाले सामने नहीं, हमें बात करें आपस में तो कौन देखते। अब हमारी तकरीर यहाँ चलती है तो उनका बयान वहां चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों का खामोश रहना बहुत बड़ा मसला है। मेरे नजदीक तो औरतों का खामोश रहना करामत है। मर्दों के करामत के इजहार के लिए हवा में उड़ना, पानी में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ना और भी तरीके हैं। औरतें अगर चाहें अपना करामत दिखाना, बहुत आसान तरीका है, आधा घंटा खामोश बैठ गई, वही उसकी करामत है। अल्लाह करे कि ऐसी औरतें अक्कलकोट में हो। यहाँ जोर से जो मर्दों की आमीन की आवाज आ रही है, इनका आमीन कहना खुद बता रहा है कि ऐसी औरतें यहाँ नहीं है। गर्स मेरी माए, जो दर्द मैं मर्दों में रखता हूँ वो आज तुम्हारे सामने रखता हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया के हालात बहुत खराब है। बंद कर दीजिए। और सारी दुनिया में एक इस्लाम को छोड़कर जितनी कौमें हैं, सब के सब इस्लाम के खिलाफ मुत्तफिक हो चुके हैं। और मैदान में तन्हा मुसलमान है। और मुसलमान का इस सारी दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है,
इतनी दुश्मनी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिंदा व सलामत है। अगर यही दुश्मनी दूसरी कौम वाले तमाम के तमाम मिलकर किसी दूसरे मजहब के साथ करते, आज उस मजहब का नाम तारीख से मिट जाता। अरे बस समझते, मेरी माए, मेरी बहने, मेरी बच्चियां जितने भी बैठी हैं, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि मेरे इस पैगाम को, इस दर्द को पूरी तवज्जो के साथ सुने। और मैं ये बात बड़ी इसलिए आपके सामने कह रहा हूं, 5-10 मिनट में वो भी बता दूंगा। तन्हा है मैदान में इस्लाम और मुसलमान, और इस्लाम के साथ अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। और इस बात को सारी दुनिया मान चुकी है कि हमारी ताकतें जहां खत्म होती है वहां इस्लाम शुरू होता है। अब तक यहूद व नसारा को, दुश्मनान इस्लाम को इस बात का यकीन था कि नहीं था अपनी जगह पर, लेकिन फलस्तीन ने इसका जवाब देकर समझा दिया कि तुम कुछ भी करो, जब एक फलस्तीन मिटा न सके तो इस्लाम का मिटा हो गया। एक फलस्तीन दुनिया के नक्शे में एक नुक्ते के बराबर है बस। मैं बहुत अहम और बड़ी गहरी बातें मेरी माए आपके सामने पेश कर रहा हूं, और आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा बनकर कि तुम ये बातें गौर से सुनकर अपने गोद में बैठाने वाले बच्चों को, बैठने वाले बच्चों को बताओ, ताकि अभी से उनके दिल दिमाग के अंदर इस्लाम मजबूत हो जाए। बीस 25 दिन पहले इसराइल में एक जबरदस्त मीटिंग हुई है, इसराइल नहीं, इसराइल, इसराइल मुल्क का नाम, इसराइल, अरे बोलो भाई, फरिश्ते का नाम, लोग इसराइल को भी इसराइल बोलना शुरू कर दिए। नामा तक मुसलमानों को पुकारना नहीं आता। इसराइल हमारे, इसराइल हमारा नहीं। अक्कलकोट वालों को इसराइल मालूम, आते अक्कलकोट को इसराइल? अरे आते नहीं, आते नहीं, आते के तो बोलो भाई भी अक्कलकोट कुछ आ जाता हूं। इसराइल तो मुकद्दस फरिश्ते का नाम है। बल्कि उनका काम क्या मालूम, लोगों को मौत के घाट उतारना नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह से मिलाना है। समझ में आई बात है? कभी हजरत इजराइल के उन्माद पर ही एक मरतबा आता हूं, लेकिन तन्हा मईत बोल को, मईत पेट को मईत बयान करना सुनने वाला कौन भी नहीं रहेगा। उनको डर का मौलाना के बयान में इजराइल के उन्माद में इजराइल भी आ जाते कि बोलकर इसराइल। 20-25 दिन पहले मीटिंग होकर यहूदी मजहब का जो बहुत बड़ा आलिम होता है, जो पूरे मजहब को संभालता हुआ चलता है, ईसाइयों में भी एक बड़ा आलिम होता है जिसे पोप कहते हैं, यहूदियों में पूरे उलमा का एक बड़ा आलिम जो होता है उसे हब कहते हैं, और मुसलमानों में पूरे उलमा का कोई एक बड़ा आलिम नहीं होता, क्योंकि हर आलिम नबी का वारिस होता है। उसने बिठाकर मीटिंग करके
इस दर्द को रखा। सारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है। हमारे सामने तो अमेरिका भी झुकता है, हथियारात भी हम ही से खरीदता है। इतनी बड़ी ताकत के हम लोग मालिक होकर 8-9 महीने का अरसा गुजर चुका, एक फलस्तीन को हम लोग काबू न कर सके, राज क्या है? तो उन्हीं में का ये कालिम उठकर कहता है, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। जवाब देता हूं कि हमारी ताकतें नाकाम होने का राज फलस्तीन के पास हथियारात नहीं है लेकिन इस्लाम है। इस्लाम कभी दबेगा नहीं, इस्लाम कभी मिटेगा नहीं, इस्लाम को कोई दबाएगा नहीं, इस्लाम को कभी कोई मिटाएगा नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस्लाम खत्म नहीं होगा, इस्लाम खत्म होगा, ऐसा नहीं कि इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। इस्लाम दुनिया से खत्म होगा और सबसे पहले इस्लाम ही खत्म होगा। उलमा जानते हैं, कसीर तादाद में मेरे सामने बैठे हैं, मैं पूरे दलील के साथ बात करूं कि ऐसा नहीं कि इस्लाम खत्म नहीं होगा। दुनिया के तमाम मजाहिब में सबसे पहले दुनिया रुए जमीन में इस्लाम ही खत्म होगा, और जब इस्लाम खत्म होगा तो दुनिया बाकी नहीं होगी, अल्लाह उसी वक्त क़यामत कायम कर देगा। लेकिन अब इस्लाम नहीं मिटेगा, कोशिशें जारी है। और एक इस्लाम की खूबी भी है मेरी आपा मेरी बहन, इसे जितना दबाएंगे ये उतना उभरेगा। गेंद के मान आहिस्ता डालो, उछाल आहिस्ता, जोर से डालो, उछाल जोर से। इस्लाम के साथ कम छेड़ो, इस्लाम कम उभरेगा। इस्लाम के साथ जितना छेड़खानी होगी इंशाअल्लाह ताला इस्लाम उतना ही उभरेगा। तुम जितना तराशोगे, ये और सिवा होगा। यहाँ बेशक बोल रहे हैं, यहाँ समझ में आ रहा है, औरतों को शेर शायरी से ताल्लुक है क्या? उनको तो सिर्फ गाने समझ में आते, मोदी साहब आगे अशार कहाँ समझ में आते। अभी कल जुमा ही बोला मैं, पार्लियामेंट भी अब मुशायरा खाना हो गया है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अशार ही अशार पढ़ रहे हैं, मोदी साहब सो रहे। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। अशार से भी ताल्लुक रखो। 10-10 घंटे के तकरीर का मगज होता है एक एक मिसरे में। बहुत कीमती शेर मेरी आपा मेरी बहन मेरी बच्चियां तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुम हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ने वाली, अल्लाह तबारक व ताला नेक तौफीक अता फरमाए। मैं तो बिल्कुल माहौल में उतरा हुआ हूँ, और बाकायदा मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, हमारी बच्चियों को हमदों से ताल्लुक नहीं, हमारी बच्चियों को नातों से ताल्लुक नहीं, हमारी बच्चियों को अच्छे अच्छे कसीदों से ताल्लुक नहीं, अच्छे अच्छे अशार से ताल्लुक नहीं। हमारी बच्चियों का व्हाट्सएप अगर उठा कर देखेंगे, फेसबुक उठा कर देखेंगे, इंस्टाग्राम उठा कर देखेंगे, ये जो नामा बोल रहा ना कभी अउलिया के नामा नहीं है, वरना तुम्हें समझ जाएंगे हजरत मौलाना व्हाट्सएप साहब रहमतुल्लाही अलैह, हजरत मौलाना फेसबुक साहब रहमतुल्लाही अलैह, अउलिया नहीं है तुम्हारे पास रहने वाले, तुम्हारी इज्जत और आबरू से लेकर तुम्हारे ईमान तक खराब करने वाली चीजें। इसराइल नसारा यहूद घरों तक पहुंचकर काम करने का एक तरीका इख्तियार किया है। वो घरों में घुसकर काम करना चाहते थे, और भला कोई गैर आ जाए तो उतना घुसा कर कौन रख सकता है। उन्होंने एक लाही अमल तैयार किया, एक मिशनरी तैयार की। व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं, यहूदो नसारा की मिशन है वो। फेसबुक एक ऐप नहीं है वो, यहूदो नसारा के मिशन है वो। इंस्टाग्राम एक ऐप नहीं है,
बल्कि उन लोगों की एक साजिश है जो हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, हमारे जेबों तक पहुंच चुकी है, हमारे दस्तरों तक पहुंच चुकी है, हमारे बिस्तरों तक पहुंच चुकी है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए, उम्मत की एक एक बेटी की हिफाजत फरमाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर उठाकर देखेंगे तो फिर इसमें अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि 100% गलत है, अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजों को दाखिल करने का मकसद क्या है? हर एक आदमी के हाथ में अपने मिशन को पहुंचाना है। अच्छी चीजें सिर्फ 5 से 10% है और खराब चीजें 90 से 95% है। अब उठाकर हमारी बच्चियों के व्हाट्सएप को उठाकर देखेंगे और फेसबुक को उठाकर देखेंगे, इंस्टाग्राम को उठाकर देखेंगे, टेलीग्राम को उठाकर देखेंगे, खाली इश्किया असार, खाली इश्किया असार, खाली इश्किया असार। मैं तो बेंगलोर में रहने वाला हूँ, मेरे पास फैसले आते हैं। अभी करीब में एक डेढ़ महीना पहले एक नौजवान अपनी बीवी का मोबाइल जब्त करके लेकर मेरे पास आया। हजरत, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा कि मेरी बीवी के ताल्लुकात किसी और से हैं, लेकिन उसके मोबाइल के अशआर बता रहे हैं, चक्कर कहीं और चल रहा है। मैं बड़ी गहराई में चले जाऊंगा, मेरी माए और बहने बच्चियां, मेरे पास वक्त कम है आपसे बात करने का, मैं मुकदमे में अटका हुआ हूं। अगर तुम अल्लाह की नेक बनना चाहती है तो मैं ये नहीं कहता कि तुम रोज तहज्जुद पढ़ो। तुम अल्लाह की नेक बनना चाहती है, मैं ये नहीं कहता कि रोजाना एक पूरा कुरान पाक मुकम्मल करो। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि तुम नबी पाक की आशिका बनना चाहती है, रोजाना 1,00,000 मरतबा दरूद पढ़ो। अम्मा आयशा की सच्ची बेटी बनना चाहती है, सईदा फातिमा की बेहतरीन बेटी बनना चाहती है, तो तुम 1,000 रकात नमाज पढ़ो, 2,000 रकात नमाज पढ़ो, ये कहना नहीं चाहता। इससे आसान अमल शायद कि आप कभी सुनी होंगी। इस दौर में तुम अल्लाह की बंदी, नबी की आशिका, आयशा की बेटी, फातिमा की बेटी, इस्लाम की बेटी अगर बनना चाहती है और वली बनना चाहती है तो अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाओ। आज अगर अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाओगे, कल का सूरत तुम्हारी विलायत का पैगाम लेकर तुलू होगा। आज अगर तुम अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाओगी तो कल का सूरत तुम्हारी विलायत का पैगाम लेकर बनेगा। बल्कि मुझे खुदा की जात से उम्मीद है, ये अल्फाज नहीं, ये तकरीर नहीं, मैं तो तुम्हारे से मोहब्बत भरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, दर्द भरी बातें अर्ज कर रहा हूँ। अगर तुम सिद्क दिल के साथ मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना तुम्हारी जरूरत है, उसके बाद उससे तुम अपना रिश्ता काटोगी, तो मुझे उम्मीद है उसी रात शायद हो सके सैयदा आयशा की ख्वाब में जियारत हो जाए, सैयदा फातिमा का दीदार हो जाए तुमको। तुम्हारे तकवे के लिए रुकावट अमेरिका नहीं, तुम्हारे तकवे के लिए रुकावट इसराइल नहीं, तुम्हारे तकवे के लिए रुकावट बाहर का माहौल नहीं है। बाहर का माहौल किस जमाने में खराब नहीं था? बाहर का माहौल अगर अच्छा था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के जमाने में अच्छा था। आका ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है, सुम्मल लदीना यलूनहुम, बात का जमाना बेहतरीन जमाना है, सुम्मल लदीना यलूनहुम, बात का जमाना बेहतरीन जमाना है। ये तीन जमानों से पहले न जमाना अच्छा था, न ये तीन जमानों के बाद जमाना अच्छा है। अब एक ही जमाना अच्छा आने वाला है, वो हजरत मेहदी व ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, जिसकी बशारत नबी ने दी है। इतना अच्छा जमाना आएगा, बरकतों से लबरेज, रहमतों से लबरेज ऐसा जमाना आएगा। हदीस पाक में आता है, वो आकर काम दावत व तबलीग का मुकम्मल करके सारे आलम में अमन कायम करेंगे, अल्लाह ऐसी रहमतों और बरकतों को नाजिल करेंगे, एक अनार एक जमात के लिए काफी हो जाएगा। जमाना तो हर जमाने में खराब था, जमाना हर जमाने में खराब था। मैं तो मौलाना मुझे इजाजत दीजिए, उलमा बैठे हैं, मैं तो पूरे जज्बे के साथ कहता हूं, माहौल अच्छा हो मंजिल तक पहुंचना कमाल नहीं, माहौल खराब हो बचकर मंजिल तक पहुंचने वाला ही अल्लाह का वली होता है।
हर बार की पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। अब अशार भी पढ़ना, तर्जुमा भी करना, समझाना, जरा शॉर्टकट बाईपास में चल जा तू, हाईवे में चल जा तू, वक्त नहीं है, क्योंकि एक अहम पैगाम इन तमाम बातों का मुझे आपके सामने देना है। अगर मुझे इतनी तादाद में औरतें, मेरी माएँ और बहनें अक्कलकोट की आने का इल्म होता तो मैं जहर के बाद जो आराम किया वो भी कुर्बानी देकर आ जाता। अजहर साहब आप भी नहीं बताए मुझे, 3:30 के बजाय 2:30 बजे से हो जाना था, फिर 4:30 को बात खत्म करना है। समझ में आई बात है? अब ट्रीटमेंट 1-2 टैबलेट से नहीं होगा, एक जबरदस्त ऑपरेशन की जरूरत है। समझ में आई बात? 1-2 टैबलेट, 1-2 इंजेक्शन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक जबरदस्त किसकी जरूरत है? ऑपरेशन की जरूरत है। आधा पौना घंटा दस्तर का हक अदा नहीं होता तो जलसे का हक अदा क्या होगा? फिर भी चलो अल्लाह बरकत दे दे। हर बर की पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। माहौल तो खराब है, माहौल खराब है, माहौल को कुछ न कहो, कभी माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन तुम अपने हद के माहौल को पाक कर लो, अपने हद के माहौल को पाक कर लो। मेरी माए और बहने, तुम अपने आप को अल्लाह की बंदी बनाना चाहती हो, नबी की आशिका बनना चाहती हो, आयशा की बेटी बनना चाहती हो, सय्यदा फातिमा की लाल बनना चाहती हो, इस्लाम की बेटी बनना चाहती हो, तो इस दौर में तुमको आसान अमल क्या है कि बड़ी बड़ी और लंबी लंबी नमाजें नहीं, 5 वक्त ही की नमाज पढ़ो, हफ्ते महीने में 1 मर्तबा ही तहज्जुद पढ़ो, हराम से बच जाओ, कुरान पाक की मुख्तसर सूरतें या पाव पाव आधा आधा पारा रोजाना की तरतीब ही रखो, इस्तग़फार और दुरूद शरीफ तेदाद और गिनती के मुताबिक ही करो। लेकिन एक अमल क्या, मोबाइल से अपनी जिंदगी को तुम जितना बचाओगी, तुम्हारे माहौल को पागद्दा करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा माहौल पाक। आज देखने में आता है अक्कलकोट का क्या हाल है मालूम नहीं, कि छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में लाखों के मोबाइल, खिदमतों के वजीफे मोबाइल के जरिए से दिए जा रहे हैं। एक जमाना एनिवर्सरी में मियां बीवी एक दूसरे को तोहफा देते तो कम से कम सोना चांदी रुपया कपड़े शॉपिंग वगैरह कर, एनिवर्सरी का तो मालूम अक्कलकोट में नहीं मालूम कि किसकी भी शादी नहीं होती क्या यहाँ, करना तो नहीं है लेकिन करते लोग अपनी जगह पर, एनिवर्सरी तब भी वो एक मोहब्बत, चलो भी क्या होना, तुम ना तुम्हें जेवर दिलाओ ये दिलाओ, अब नहीं एनिवर्सरी में क्या होना का, तो सबसे पहले उसके जुबान से निकलता तो क्या, ये मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम है, आप एक अच्छा एंड्रॉइड बेहतरीन मोबाइल, तू हैंग होगी है मोबाइल पर इल्जाम लगाती है, तेरे कामा हैंग हो गए, तेरी नमाज हैंग हो गई, तेरा पर्दा हैंग हो गया है, तेरी अच्छी जुबान हैंग हो गई, तेरी निगाह हैंग हो गई है, तो इल्जाम मोबाइल पर लगा। अल्लाह अकबर, कौन की गुड़गे को मारे आता हूँ क्या फूटे कहते मारे तो घुटने को फूटे सो आंखें, ऐसा नहीं आपा, तेरा सिस्टम अच्छा होना, तेरा सिस्टम अच्छा होना, तेरे अदब का सिस्टम अच्छा हो, तेरे अखलाक का सिस्टम अच्छा हो, तेरी खिदमत का सिस्टम अच्छा हो, तेरे पर्दे का सिस्टम अच्छा हो, तू घर की राबिया बन जा, तू घर की आयशा बन जा, तू घर की फातिमा बन जा। हालात बहुत खराब है, हालात बेहद खराब है, बाहर तुम निकलती नहीं, निकलने वालों को बाहर के हालात नजर आते नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं हमें नजर आते हैं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हालात देखने का मौका हमको अता फरमाया है,
ऐसे हालात में मैं अब असल बात तुम्हारे सामने अर्ज करना चाहता हूँ, तुम्हारा नेक बनना मर्दों के नेक बनने से ज्यादा जरूरी है। ये मेरी बात को आप आवाज के जरिए से नहीं, तहरीर के जरिए से भी पूछोगी तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि हालात को संवारने और इस्लाम के अहकामात और शरीयत को बचाने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, हमारे नबी की अमानत की हिफाजत के लिए मर्दों से ज्यादा औरतों का बदलना बेहद जरूरी है। अब क्यों, अगर ये सवाल आता है उसका जवाब देता हूं। मेरी माए और बहने सुनो, औरत जब बदलती है ना, खुदा की कसम अल्लाह ताला अच्छे हालात के दरवाजे खोल देते हैं। फिर इसके अंदर एक क्यों पैदा होता है, वो क्यों जब औरत बदलती है, अल्लाह तबारक व ताला उसके पेट से जिन बच्चों को पैदा करते हैं उनमें से कोई हसन जमाना होता है, जमाने का हुसैन होता है। उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा खालिद बिन वलीद बन जाता है अपने जमाने का, सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है अपने जमाने का, टीपू सुल्तान शहीद बन जाता है अपने जमाने का। जब औरत नेक बन जाती है तो फिर उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा जमाने का अबू हनीफा बन जाता है, जमाने का शाफई बन जाता है। उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा जमाने का कासिम नानोती बन जाता है, बायजीद बुस्तामी बन जाता है, सुफियान सौरी बन जाता है, अल्लाह अकबर फरीदुद्दीन शकरगंज बन जाता है, अल्लाह अकबर मुख्तार काकी बन जाता है। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा नाम याद करके रखा हूँ जिनकी विलायत के पीछे अल्लाह के फजल और नबी की निस्बत के बाद उनके माओ के तकवे का राज है। आज कहाँ है? इसीलिए दुश्मनों ने ये फैसला किया है, इस्लाम को मानने वाले जो इंसान हैं उनकी दो किस्में हैं। उलमा यहाँ बैठे हैं, फिर बात आएगी कि नहीं आएगी, आप हजरात भी तवज्जो के साथ सुने। दो किस्में हैं, एक मर्द एक औरत। दुश्मनों ने ये फैसला किया कि पहले औरतों पर मेहनत करो और औरतों की मेहनत कैसी, अकीदे से लेकर आमाल तक, आमाल से लेकर शर्म और हया तक, पहले उनको खराब करो। तवज्जो चाहता हूँ हजरत क़िबला, तवज्जो चाहता हूँ, आप बुजुर्गों की दुआओं की मुझे जरूरत है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, ये कैसे कैसे जुमले अल्लाह ताला उनके जुबान से निकाल रहे हैं। सादा सीधा इंसान पढ़ता है तो डर होता है, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता है बड़ी खुशी होती है। दुश्मनों ने कहा अपनी जमातों में, अपनी मीटिंगों में, अरे इस कौम के गुनहगारों को हम दबा नहीं सकते, इस कौम के गुनहगारों को हम दबा नहीं सकते, तो इस कौम के निकोकारों को कहां दबा सकते, इस कौम के बच्चों से हमारा मुकाबला नहीं हो रहा है, इस कौम के जवानों से हमारा मुकाबला क्या होगा, इतना माहौल खराब करो और इतने अकीदे खराब करो, इनके आमाल के पीछे हमारी मिशनरियों को लाकर इतने दाखिल करो, फैशन उस जैबो जीनत के नाम पर इनके सामने हमारी बेहयाई और बेपर्दगी को इतनी दाखिल करो कि इसके बाद कभी इस कौम में हुसैन जैसा बच्चा पैदा ना हो, हसन जैसा बच्चा पैदा ना हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बच्चा पैदा ना हो। अब एक सवाल आपा तो कर सकती है, अक्कलकोट की औरतें पढ़ी लिखी है कि नहीं,
अरे ये नहीं पढ़े, नहीं पढ़ो, पहले दीन पढ़ो, उसके बाद आप जो पढ़ना है वो पढ़ो। एसएलसी पढ़ना है, पीयूसी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर पढ़ना है, सेकेंड ईयर पढ़ना है, एमबीए पढ़ना है, बीए पढ़ना है, क्या पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पहले दीन पढ़ो। समझ में ये बात, दीन के बगैर दुनिया कहीं। पढ़ी लिखी आप एक सवाल कर सकती हैं, क्या हजरत हमें खराब हो गए तो बच्चे खराब, तुम्हें इल्जाम लगा रही हजरत, मेरी उर्दू समझते हैं यहां पर नहीं, प्योर उर्दू में बात करूं, समझ रहे, प्योर उर्दू में भी बात करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, समझते नहीं समझते। अरे औरतों की तरफ से तुम्हें फर्ज किफाया बनो, मुंडिया लाओ, तो अब मैं कहा उनको मुंडी हलाओ बोलू, समझते नहीं समझते। अब औरतें पूछ सकते हैं कि हजरत अच्छे पैदा होने, बच्चे पैदा होने के लिए हमें कैसे जिम्मेदार, मर्द ही तो जिम्मेदार है, खून उनका है, खतरा उनका है, हमें तो खिदमत गुजार है, रख कर देते हैं, खून उनका है, मशक्कत हम उठाते हैं, और अब पूरा इल्जाम आप हमारे ऊपर डालते हैं। सवाल तो सही है आपा, मेरा जवाब इंशाल्लाह तारा तेरे सवाल को तसल्ली बख्शेगा। एक मिसाल के साथ में जवाब देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा घर का मर्द, शौहर, बाप, भाई, कोई भी हो, दूध लेकर आया, दूध दूध मालूम, अरे दूध पैकेट में दूध लेकर आया, दूध लेकर आया, लाकर दिया, सुबह सुबह दूध, हमारे बेंगलुरु में सुबह सुबह दूध आता है, यहाँ पर सुबह ही आता है, समझ में आई बात, दूध लाकर देता है। अब दूध को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, फॉर एग्जाम्पल, अब उस दूध को हिफाजत के लिए रखते कहाँ है, अक्कलकोट में फ्रिज है, अरे वाह 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 वाह, जितनी बद्दुआ फ्रिजों को गरीबों की लगी है उतनी तो फिरौन को भी नहीं लगी है। नहीं, अब हिफाजत के लिए दूध को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, अब फ्रिज में भी फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, और जब तक फ्रीज सही हो, फ्रीज का फ्रीजर सही हो, करंट बराबर पास होता हो, एक घंटा ही नहीं एक महीना भी उसमें अगर दूध रखेंगे, खराब होगा दूध नहीं होगा, जरूरत ही पेश नहीं आई, कोई मेहमान भी नहीं आया, और आज के जमाने में आता भी नहीं, ठीक है, तो पूरी खैरियत मोबाइल में पूछ लेते हम लोग, पूरी खैरियत हम लोग क्या करते मोबाइल में पूछ, कैसे ही आपा, खाला कैसे, अच्छी हूं तुम्हें, कैसे ही, अच्छे ही, याद आए बोलकर फोन कर ली, अच्छा मंजे भी तुम्हें याद आले करते, करना बोलकर थी तुम्हें कर डाले, अच्छा देखना देखना बोलकर दिल चाह रहा है तो फौरन आ जाओ बोलते नहीं, वीडियो कॉल करो चल रहा नहीं चल रहा, देखना बोलकर आंखें तड़प रही, अब तो मैयतों का दीदार भी वीडियो कॉल में हो रहा है, अब तो मैयतों का दीदार भी वीडियो कॉल में हो रहा है। मैं जब इंशाल्लाह मुल्क का पीएम बनूंगा सबसे पहले इंटरनेट खत्म कर दूंगा, देखो कौन भी आमिर नहीं बोल रही, ठीक है, तो सबको डर है इन्हें बनिया तो करता इंशाल्लाह हम न सही, वक्त आएगा इस मुल्क को संभालने वाला फिर से औरंगजेब का कोई वारिस पैदा होगा, जरूर पैदा होगा, ये मुल्क इतना बड़ा महान मुल्क क्या चाय वालों से चलेगा, ये टोपी और डुबते वालों से चलेगा, ये समझ में आई बात, मेहमान आता च नहीं, अब
हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं, जिस घर के अंदर मेहमान आता है समझो कि उस घर पर अल्लाह की नजर ज्यादा है। हम लोग बुलाते भी नहीं, हम लोग जाते भी नहीं। इतने घरों में दूरियां हैं मेरी माए और बहने, हम लोग तो जंगल के जानवर बनना था, इंसान बन गए। घरों में सिर्फ सोफे, ड्रेसिंग टेबल और दूसरे तमाम चीजें ही। घर में ना इत्तेहाद है, ना इत्तेफाक है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है। एक जमाना घरों में शादियों का आम दिनों में माहौल होता था, अब तो शादियों के अय्याम में भी घर उजड़े उजड़े नजर आते हैं। मय्यितों के माहौल में भी घर उजड़े उजड़े मालूम होते हैं। मय्यित की खबर सुनकर आते हैं, जनाजा उठते ही सब ताजियत अदा करके चले जाते हैं। मय्यित जिस दिन उठती है, जनाजा जिस दिन होता है, उसी दिन दो तीन घंटे के बाद पूरा घर नॉर्मल हो जाता है। दूरियां दूरियां इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पे उजाला है, खलबों में अंधेरा है, सड़कों पे उजाला है, खलबों में अंधेरा है। दिल वीरान हो गए, अंधेरे हो गए, मेहमान आता नहीं। अब दूध एक महीने तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, चाक की जरूरत तो चाहत भी नहीं हुई। और जब फ्रीजर से दूध की पैकेट निकालेंगे, दूध सलामत रहता है कि नहीं रहता है? हालांकि दूध एक महीना रहने वाली चीज नहीं है, दूध एक महीना रहने वाली चीज नहीं है, एक दिन भी सलामत रहने वाली चीज नहीं है। मैं भी क्या आसमान से आया, मैं भी घर के माहौल से ना हूं। एक जमाने में बराबर बोलते थे, रात को सोते वक्त बाकी दूध को गरम कर को सोमा दूध बोलते थे, गरम कर को सोमा दूध बोलते थे, दूध को बार बार गरम करके रखते थे, और दूध का बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक कतरा गंदी चीज भी पूरे दूध को गारत करके रख देता है। दूध सलामत रहने वाली चीज नहीं है, इस्तेमाल कर लेना। अब फ्रिज के अंदर एक महीना सलामत कैसे दूध, एक महीना दूध कैसे सलामत? फ्रिज अच्छा है, करंट पास हो रहा है, तो इसलिए दूध सलामत है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरी आपा, अच्छी औलाद पैदा होने का राज खून का खतरा नहीं, तेरा पेट है। तू अच्छी हो, तेरे अंदर तकवा हो, तेरे अंदर पर्दा हो, तेरे अंदर तिलावत हो, तेरे अंदर अदब हो, तेरे अंदर शर्म हो, इंशाअल्लाह ताला ये 9 महीने जो पेट में खतरा रहता है, जिसको बनाता अल्लाह तबारक व ताला है, और उसको अल्लाह ताला फी जुलुमातिन सलास, कुरान में है नहीं, बच्चा बनने की जो थैली है, उस थैली को कुरान ने क्या कहा, फी जुलुमातिन सलास, इसी का नाम है फ्रीजर। इसी का नाम क्या है? फ्रीजर। वहां रखकर बनाता है। जब माँ का सिस्टम सलामत रहता है, 9 महीने तक बच्चा जब अंदर बन जाता है, तो फिर बाहर निकलकर कोई माहौल बच्चे के ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी माए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इस पुरफितन दौर में चारों तरफ हमले हो रहे हैं, और हमलों के शक्ल में तुम्हारे सामने बताने का वक्त नहीं रखता। पक्के पहले मुसलमान बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रहो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर साबित कदम रहो। आज क्या कहें,
हमारा कलीमा आज तक महफूज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुदाखलत होती है, कबूल मुसलमान कर लेता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुदाखलत होती है, मुसलमान कबूल कर लेता है। यहाँ तक कि औरतें भी इस साजिश में मुबतला हैं। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम तर रियासतों का दौरा करता हूँ, जहाँ अकीदों के बदलने में मर्दों की बात आती है, वहाँ औरतों की बात भी आती है। बल्कि दुश्मन ने सबसे ज्यादा औरतों के अकीदे बदलने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही सिस्टम ऐसा है। ये सिस्टम अगर यहाँ खराब हो जाए तो इसके माहौल में रहने वाले तमाम सिस्टम खराब हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, मर्द बर्दाश्त कर रहा है, औरतें बर्दाश्त कर रही है। मेरी माए और बहने, अक्कलकोट के अंदर दावत और तबलीग के अगर इज्तिमाआत होते हैं, आप वक्त बनाकर जरूर जाओ और बैठो। बाहर से उलमाए किराम आते हैं, वो भी उलमाए हक आते हैं। आप अपने कामों को आगे पीछे करके जाओ और बैठो। और भी शहर के उलमाए किराम अपने अपने मोहल्ले में निजाम बनाते हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूं कि उनके निजाम में जाकर बैठो, तकरीरें उलमाए किराम की सुनो। एक नई बात जो आप आज तक कभी नहीं सुने, ऐसी बातें अगर आती हैं तो फिर उसको सही करने के लिए उलमा तक आप राब्ता कायम करें। बाप को वास्ता बनाकर, भाई को वास्ता बनाकर, शोहर को वास्ता बनाकर, बेटे को वास्ता बनाकर। वरना याद रखो, मर्दों से मैं कहता हूं, हाँ तुम्हारे से कहना पड़ता है, तुम काबतुल्ला के खिलाफ को, ये जुमला याद रखना। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जुमला तुमको समझ में आ जाएगा। तुम काबतुल्ला के खिलाफ को बुरका बना कर इस्तेमाल कर ले, अगर तुम्हारा अकीदा सही नहीं, उस बुरके के अंदर रहने वाली औरत का ईमान सलामत नहीं रहेगा। समझ में आई बात है? अकीदे अच्छे रखो, आमाल अच्छे रखो, नमाजों की पाबंदी करो। बगैर क्या हो रहा है, बंद करो, क्या है मौलाना, आप ये सकर है। अकीदे अच्छे रखो, आमाल की पूरी पूरी हिफाजत करो, एक वक्त की नमाज न छोड़ो और एक वक्त एक दिन तिलावत न छोड़ो। सुबह शाम इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत, अल्लाह का जिक्र करते रहो, बगैर किसी शरई जरूरत के तुम्हारा कदम घर से बाहर ना पड़े। ये फितनों की जड़ है। मर्द बाहर जाता और आता, उसका वो निजाम है। औरत अगर बाहर जाकर आती है तो खुद इमाम गज़ाली ने लिखा है, कई मर्दों का ईमान खतरे में पड़ जाता है एक औरत के बाहर जाकर आने पर। इसलिए अपने माहौल को पाकीजा बनाओ, अदब अखलाक से रहो, सबर अपने अंदर पैदा करो, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो, डर गुजर करने का मिजाज अपने अंदर पैदा करो। मैं तमाम उनवानात का हेडलाइन तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं, ऐसी जिंदगी करो, ऐसी जिंदगी करो कि तुम्हारे घर के मर्दों को मरने के बाद जन्नत का मजा नहीं, जिंदगी में तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे माहौल और तुम्हारी जिंदगी के साए में जन्नत का मजा मिले। आज मैं हजारों मर्दों की जिंदगियां बता सकता हूँ कि वो रोड में वक्त गुजारना चाहते हैं, होटलों में वक्त गुजारना चाहते हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। जब उनसे कहा जाता है घर को जाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं हजरत, घर को जाना मेरे अपने सुकून को बर्बाद करने के बराबर है। अरे भाई, मेरी बहने, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम घर के अंदर गुजारोगे, उतनी ज्यादा तुम्हें आफियत मिलेगी। और इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि फिकह में साफ लिखा है, फराइज मसाजिद में पढ़ो, सुनन नवाफिल घर के अंदर पढ़ो। इसका मतलब मस्जिद को आओ, फर्ज पढ़ लो, फिर आप अपने घर को चले जाओ। सुन्नत भी अगर पढ़ना है तो अपने घर के अंदर पढ़ो। क्या वो अल्लाह जो फर्ज मस्जिद में पढ़ने का हुक्म देता है, सुन्नत मस्जिद में पढ़ने का हुक्म नहीं देगा, नवाफिल मस्जिद में पढ़ने का हुक्म नहीं देगा? घर में पढ़ने का हुक्म इसलिए दे रहा है। इसके दो फायदे हैं। एक फायदा कि नमाज पढ़ने से तुम्हारा घर भी मस्जिद का माहौल बन जाएगा।
दूसरा घर वालों के साथ वक्त ज्यादा गुजारने का मौका मिल जाएगा। हमारे घर के मर्द हमारे घर में दिलचस्पी के साथ अगर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना है तो हमको वैसे ही बाअखलाक बनकर भी जिंदगी गुजारना है। लेकिन मेरी माए और बहने मुझे माफ फरमा दे कि तुम्हारे दर्द को मैं कितना बयान करूं कि तुम लोगों ने माहौल को इतना खराब कर रखा है कि घर के अंदर मर्द का सिवाय रात के 4-5 घंटे के अलावा मजीद वक्त गुजारना जहन्नम से बदतर हो चुका है। तुम अच्छे बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से इनखिलाफ का फैसला करें। अकीदे अच्छे रखो, अकीदे वक्त होता तो मैं अपने मुकदमे को यहां तक लाकर जोड़ता। दुश्मनों ने प्लान बनाया है जितना हो सके इस्लाम के मर्दों को जान से मारने की कोशिश करो, औरतों को मत मारो बल्कि उनके अकीदे खराब कर दो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मरने से उतना नुकसान नहीं आएगा जितना तुम्हारे अकीदे खराब होने से नुकसान आएगा। कादियानी फितनों में औरतें मुब्तला है, शकील बिन हनीफ के फितने में औरतें मुब्तला है। गौहर शाही कहते उन्हें, गौहर शाही नहीं गोबर शाही। औरतें मुब्तला, शर्म आती है, अफसोस होता है। इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है ईमान, इसकी कदर कब मालूम होती है मालूम, कब कब? जरा बोलिए। इधर जिस्म से रूह का रिश्ता कट होते ही एक सेकंड भी नहीं गुजरेगा उससे पहले ईमान की कदर मालूम हो जाए। कट होते ही, कट होती, लोग बोलते खबर को गए तो मालूम होता, असर में मालूम नहीं, मरते ही मालूम हो जाता। हमारे पास घरों की शक्ल में जो दौलत थी वो दौलत, या ईमान की शक्ल में जो दौलत थी वो दौलत, इसका नतीजा निकलेगा मरने के एक सेकंड के बाद इंशाल्लाह। फिर कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज्यादा वक्त के साथ आपके साथ बैठूंगा। मुझे उम्मीद है कि बात को समझी भी होंगी और इंशाल्लाह ताला अमल भी करेगी। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।